की एंट्रेंस थी, तो उसको लेके मैं स्ट्राइक डाल दिया। क्या करें, ढूंढ रहे आईफोन सेंटर। जो प्रॉब्लम था वो हो गया सॉल्व। ये पगला आदमी है, एकदम सीधे घुस के आ गया। सबका देख के चलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग है, 11:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग चालू हो चुका है। बाकी आज की तारीख है 14 अप्रैल और आज है संडे। सो संडे को भी अभी आज लकीली हमको काम है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। वैसे हम तो लेट हो गए क्योंकि एक दो चीज़ें होगी मेरे साथ और। कल वीडियो डिलीट हो गई थी मेरे से और कल ही रात को मेरे को एक स्ट्राइक आ गया है। शॉट पे एक्चुअली वो शॉट आईपीएल का था, धोनी की एंट्रेंस थी, तो उसको लेके मैंने डाला था। छोटा शॉट था 15 सेकंड्स का, बट अनफॉर्चुनेटली मैन्युअली उसको, जिसने जैसे इंडियन प्रीमियर लीग को जो राइट्स हैं उन लोगों ने मैन्युअली इस पर वो डाला, स्ट्राइक डाल दिया। कॉपीराइट इशू था, कॉपीराइट इशू को सीधा इन लोगों ने स्ट्राइक करवा दिया एंड रिमूव करा दिया। नारियल की कितनी भीड़ लगी है। तो ऐसा सीन हुआ कि जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर तो मेरे को स्ट्राइक आया ही आया, मतलब कॉपीराइट इशू आया ही आया और उन लोगों ने सीधा स्ट्राइक करके रिमूव कर दी। अब ऐसा होता है यूट्यूब में कि अगर आपको 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो मतलब मेरे पास अब 2 और स्ट्राइक आ गई तो मेरा चैनल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। अब मैं हंसूं रोऊं या दुख मनाऊं पता नहीं क्या हो रहा है। यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं मालूम, चालू तो है ना। हाँ मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है क्योंकि मैं अपनी साइड से सब अच्छा ही कर रहा हूँ। और हालांकि इतना पता है कि अगर आप वीडियो में डालें तो उस पर आपको कॉपीराइट आता है, स्ट्राइक आता है, बट मेरे को ये नहीं मालूम था कि शॉर्ट पे भी आपको स्ट्राइक आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट आता है बट स्ट्राइक आ जाता है, मेरे को ये नहीं मालूम था। आई डोंट नो अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मतलब नो कमेंट्स। जो हो गया वो तो हो ही गया। अब मैं जितना लेट इट गो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी बढ़ते जा रही है। बट एनी हाउ वी स्टिल हैव टू गो, वी हैव टू मूव ऑन। तो मूव ऑन करते हुए मैं कर तो रहा हूँ अपना काम, बट इट्स जस्ट टू डिमोटिवेटिंग कि आप कुछ ना कुछ करो और हर चीज़ में कोई ना कोई उंगली हो जाए, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब इस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ मैं। सो ये था आज का अपडेट एंड अभी चलते हैं अपना काम करते हैं। सब अपने घर में नया त्यौहार मना रहे हैं, सिंस ये आज ओकेशन है तमिल न्यू ईयर का। कई लोग मंदिर भी जा रहे हैं, जो कि इधर है, जो हमने मेला दिखाया था ना आपको वो। अभी ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आगे एंटरटेन करूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बज रहे हैं, गेस करो, अभी बज रहे हैं 3:30, 3:30 नहीं 4:15, ठीक है। मेरी घड़ी में तो ऑलमोस्ट 4 हो ही गए, तो कर करा के कहीं ना कहीं टाइम आ ही गया जिस लेवल पे हमको जाना नहीं था, पर क्या करें, चीज़ें हो जाती हैं, हम करते नहीं हैं। और तो अच्छा है कि सवेरे नाश्ता वगैरह हो गया था, अदरवाइज अभी तक भूख ने तो मेरी जान ले ली होती। हाँ जी, अब ये कहाँ पर कट गया था मेरे को मालूम नहीं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं आईफोन सेंटर, आईफोन सेंटर मिल जाता है तो वहाँ पर एक बार फ़ोन चेक करा लेते हैं, क्योंकि और कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया था तो वो भी अब डाउनलोड करना पड़ेगा।
क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था और उसकी स्पेस बढ़ गई थी, तो मैं डिलीट करके फिर दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मेरे को वही चेकआउट करना है कि मेरे को कहीं पर हो जाए रेडी फ़ोन, नहीं तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं भैया कर कर आके टाइम हो गया, गाड़ी वगैरह मोड़ ली, चल ली है, अब जाते हैं और पहुँचते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, गूगल मैप चालू करना है मेरे को, तो गूगल मैप वगैरह चालू कर लेता हूँ। मेरे को लग रहा था कि मेरा व्लॉगिंग चालू है पर वो इसके साथ कनेक्ट होता है तो कट जाता है, ध्यान नहीं दिया मैंने, माई फॉल्ट माई बैड। चलो तो हम पहुँच गए आई केयर सेंटर, दिखा लेते हैं फोन। क्या तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो हो गया सॉल्व, कैसे, क्योंकि इसमें एक अपडेट आया हुआ था जो कि डिस्प्ले नहीं कर रहा था, उन्होंने अपडेट किया फोन को और उसके बाद से मेरी डाउनलोडिंग मतलब डाउनलोडिंग अदर एप्स की भी चालू हो गई है। तो नाउ आई एम रिलीव्ड, अब मैं अपने बाकी काम भी कर सकता हूँ। बाकी आज स्ट्राइक के ऊपर काम करते हैं कि स्ट्राइक जो आया है उसको कैसे रिमूव करें और उसको कैसे डीएक्टिवेट करें। ऐसे तो 90 डेज में हो जाता है बट बोल रहे हैं कि रिट्रैक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं जिन्होंने क्लेम किया, जैसे आईपीएल वालों ने, बट मेरे को नहीं लगता वो लोग रिट्रैक्ट करेंगे जो उन्होंने कॉपी स्ट्राइक डाला है। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग करके फॉर कॉपी स्ट्राइक वो करके वेट करना पड़ेगा, देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है, एक से एक पंगे होते हैं। चलो अब जाते हैं, खाना वगैरह खाया है नहीं, बज गए 4:30, ठीक है, और 4:30 बज गए हैं तो अब और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने काम वगैरह करते हैं बाकी के और चलते हैं घर, जाके खाना पीना खाते हैं, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। वैसे रोड आज खाली ही है तो ये सबसे बड़ा शुक्र है कि रोड खाली है भैया, वी कैन एंजॉय द रोड, यू नो। चलो ठीक है, चलते हैं और अभी के लिए यहीं पर वेट रुकते हैं, पॉज करते हैं, ओके। अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया भाई, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी बात है। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, बुरा तो लग रहा है बट बहुत सारे लोग हैं उधर हेल्प करने के लिए, तो अभी हम चलते हैं अपने रास्ते धीरे धीरे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बस से वो ठुक गया है बेचारा, वो तो वहीं पर मूर्छित हो गया है, उठ भी नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी वीडियो लेंथी नहीं करता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट रखता हूँ, पेट्रोल भी डलाना है ना, पेट्रोल वगैरह का भी देख लेते हैं क्या सीन है और फिर आगे करते हैं काम। ओके, टिल देन टेक केयर, ध्यान रखें अपने आसपास सबका, ध्यान रखें पानी पिए, खाना टाइम से खाएं, ठीक है, और एंजॉय करें लाइफ, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हाँ जी, सो वेलकम बैक, शाम के बज रहे हैं 8:45 एंड अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि खाना खाना रह गया और हम लिटरली भूल भी गए थे कि हमको खाना खाना है क्योंकि पेट में गैस हो गई है मेरे को, क्योंकि मैं दोपहर का खाना स्किप हो गया, शाम को मैं स्नैक्स खाने के लिए निकला तो स्नैक्स बराबर मिले नहीं, एक दो वड़े मिले वो खाया और चाय पी और घर आ गया था। सो एज सच लाइफ इज गेटिंग लिटिल हार्ड फॉर मी, तो क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी भी हूँ, समझदार भी हूँ, समझदारी मार रही है या दुख मार रहा है पता नहीं, ज़्यादा सेंटी हो गया क्या। चलो तो जा रहे हैं अभी जाके खाना वगैरह खा लेते टाइम पे, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एज सच मैं कोई ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा व्लॉग तो कोई बना नहीं पा रहा हूँ आपके लिए और ना ही मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं आपको दिखा के खुश कर पाऊँ। सो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता कहीं ना कहीं समवेयर, तो इस दिक्कत की वजह से
अरे भैया आप ही पलटा लो। पगला आदमी है एकदम सीधे घुस के आ गया। मैं कितना ज्यादा घुसाऊं, ना आगे ले रहा है ना पीछे ले रहा है। ना रिवर्स ले रहा है ना कुछ कर रहा है, बीच में उड़ा दी गाड़ी अलग। कभी कभी तो मन करता ना लोगों को अड़ा ही दूं, बट ऑलरेडी चीजें चल रही हैं अपने अपने हिसाब से, तो क्या करें, सबका देख के चलना पड़ता है। क्या पता कहां पर क्या हो जाए। तो ऐसा है, सेल्फ कॉम्प्रोमाइज सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ये लॉन्ग हो गया, मैं वीडियो एंड करने के लिए यहाँ पर आया था, वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो भी देख रहे हैं सबको दिल से थैंक यू। टेक केयर, गुड नाइट एंड ख्याल रखें।